नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। कुछ हफ्ते पहले ढाका प्रीमियर लीग में एक बड़ी घटना हुई। शाकिब अल हसन ने अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताई थी और गुस्से में आकर स्टंप पर लात मार दी थी। दो बार मैच के दौरान शाकिब अल हसन ने अंपायर के साथ बदतमीजी की थी। काफ़ी बुरा भला उन्होंने अंपायर को कहा था। हालांकि इस शर्मनाक घटना के बाद शाकिब अल हसन ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन अब एक दुखद खबर सामने आ रही है। बांग्लादेशी अंपायरिंग छोड़ने का फैसला किया है। बांग्लादेश के एक उभरते हुए अंपायर मोनी रिजमन ने अपना प्रोफेशन छोड़ने का फैसला किया है। मोनी रिजमन को हाल ही में बांग्लादेश की ओर से अंपायरों के ICC इमर्जिंग पैनल में शामिल किया गया था। माना जा रहा था कि वो जल्द ही एलिट पैनल में जगह बना लेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अंपायरिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। क्रिकबज की एक खबर के अनुसार मोनी रिजमन ने कहा कि शाकिब अल हसन और महमूदुल्ला जैसे खिलाड़ियों के अंपायरों के साथ व्यवहार के चलते उन्होंने अपना मन बनाया है। मोनी रिजमन ने आगे कहा, बस बहुत हो चुका है और अब मैं अंपायरिंग नहीं करना चाहता। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ। अंपायर गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह से बर्ताव होगा तो फिर अंपायरिंग करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं यहाँ केवल पैसों के लिए नहीं आया। मैं शाकिब वाले मैच में नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने रिएक्शन दिया वो मेरे लिए पचाना बहुत मुश्किल है। महमूदुल्ला के मैच में मैं TV अंपायर था और करीब से पूरा मामला देख रहा था। ये देखकर मैं सुन हो गया और उसी समय मैंने तय कर लिया कि मैं आगे अंपायरिंग नहीं करूँगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।